भाई देखिए, सबसे पहले हमारा 5G चल रहा है। इसकी स्पीड भी आप देख लीजिए। स्पीड टेस्ट में हम जाके स्पीड यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 5G है ये किस स्पीड से चल रहा है। 340 के स्पीड समझ लीजिए चल रहा है, 335, 36, 37, 38, ठीक है, स्पीड आप देख पा रहे हो, इतनी स्पीड से चल रहा है हमारा 5G है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने अभी 5G की स्पीड देखा था, वो 5G अनलिमिटेड चल रहा था और जियो की स्पीड थी, वो जो स्पीड थी कितनी अच्छी स्पीड थी, वो घर की स्पीड थी, घर में इतना अच्छा नेट चल रहा था। तो आपको भी बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में एक्टिवेट कैसे कर सकते हो कि आपका भी अनलिमिटेड नेट चले, जिससे कि आप 5G का मज़ा उठा पाओ जो फ्री में चल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उसके लिए माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में ये ऑलरेडी डाउनलोड होता है, तो उसको डाउनलोड कर लेना है अगर नहीं है डाउनलोड। उसके बाद से उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। माई जियो एप्लीकेशन को ओपन जब करोगे तो यहाँ पर सर्च बार में जाना, यहाँ पर लिख देना 5G। जब 5G लिखोगे, लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला होता है डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी, और दूसरा होता है 5G कवरेज चेक, और तीसरा होता है ट्रू 5G। तो आपको पहले चले जाना डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी पर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपका जो फ़ोन होगा वो बता देगा, यहाँ पर लिख करके आ जाता है अगर 5G चलेगा या ना चलेगा, दोनों ही केसेस में यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस फ़ोन में जो है लिख कर आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डिवाइस इज जियो ट्रू 5G रेडी। मतलब आपका जो डिवाइस है उसमें 5G चलेगा, वो 5G चलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो अपना फ़ोन अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट ब्रांड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस भी कंपनी का आपका फ़ोन है, यहाँ पर देखिए सारी कंपनी आ चुकी है, कंपनी सिलेक्ट कर लेना है। फिर कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे सिलेक्ट मॉडल, जो आपका फ़ोन है किस मॉडल, मतलब मॉडल क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, तो आपको सिलेक्ट मॉडल पर जाना है। जाने के बाद जो भी आपका सिलेक्ट मतलब मॉडल होगा वो मॉडल आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से चेक कॉम्पैटिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिख करके आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डिवाइस इज जियो ट्रू 5G, ठीक है। और ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में कि किसके किसके फ़ोन में 5G नहीं चलेगा और कौन कौन से मॉडल नंबर में 5G चलेगा, सब कुछ बताएंगे। ये एक्टिवेट कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये काम कर लेना है। उसके बाद से जो होगा, ये करने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है 5G कवरेज चेक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। 5G कवरेज चेक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद जो है फिर आपको बता दें आगे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग होने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर स्टेट, आप किस राज्य में रहते हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपना राज्य स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से फिर यहाँ पर जितनी भी सिटी आएगी यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि आपकी सिटी यहाँ पर आ रही है नहीं। अगर आ रही है तो इसका मतलब है उस जगह पर 5G नेट पहुँच चुका है, वहाँ पर 5G चलेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई है, अब क्या करना है, लास्ट वाला जो है ट्रू 5G जो जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चेक 5G रेडीनेस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोडिंग हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ, अनलिमिटेड 5G डाटा, नो एडिशनल कॉस्ट, मतलब फ्री है ये, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं लेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जियो वेलकम ऑफर पे टिक लगी हुई है, हैंडसेट 5G कॉम्पैटिबिलिटी पर टिक लगी हुई, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन पर भी टिक लगी हुई, हैंडसेट 5G सेटिंग्स पर भी, सॉरी इस पर टिक नहीं लगी। इसका मतलब ये है कि आप सेटिंग से जाकर 5G कर सकते हो अगर वो नहीं है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका फ़ोन ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर 5G कभी पकड़ता है कभी 4G आ जाता है, तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ ये वाला जो फ़ोन है अभी यहाँ ऐसी जगह पर है जहाँ पर 4G चलता है, देखिए इसमें 4G चल रहा है अभी, तो इसलिए लिखा हुआ है। लेकिन जब अभी इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे वहाँ पर जो है सब में टिक लगी हुई थी, इसका मतलब वो 5G चल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर चारों पे टिक लग जाएगी तो कुछ भी नहीं करना, आपका 5G चलने लगेगा। उसके बाद जो है इस तरह से सबसे पहले आपको चेक कर लेना अपना कंपनी का फ़ोन और अपना मॉडल नंबर चेक कर लेना, ऐसे जैसे हमने बताया है। और आपको जो है इसके साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपना फ़ोन का मॉडल नंबर और कंपनी बता देते हैं, फिर पूछते हैं उसमें यार चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसमें इस तरह से आप चेक करो ना, वहाँ पर जाओ सिलेक्ट मॉडल पर जाकर के मॉडल नंबर डालो, कंपनी का नाम डालो, खुद ही पता चल जाएगा, वहाँ पर लिख के आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में चलेगा। नहीं तो फिर हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लिस्ट जो है पूरी यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए, आईफोन 12 मिनी से लेकर के आईफोन 12 प्रो मैक्स तक जो है 5G चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग का जो फ़ोन है यहाँ पर भी 5G रेडी है, सब में मतलब मॉडल नंबर में चलेगा। यहाँ पर गैलेक्सी S73 है और बाकी लास्ट में है गैलेक्सी M32 5G, ये फ़ोन है।
रेडमी का देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतना सारा फ़ोन है, इसमें सब में 5G चल रहा है। गाइस इस तरह से आप चेक कर सकते हो जैसे हमने बताया है, इसी तरह से आप अपने फ़ोन में 5G एक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए MyJio एप्लीकेशन को ओपन करना ही होगा और जो इसका मिनिमम रिचार्ज है ना वो 239 का होना चाहिए। इससे कम का जो रिचार्ज होगा उसके लिए फिर आपको 59 रुपये का जो आपका बूस्टर पैक होता है वो आपको डलवाना पड़ेगा, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका 239 रुपये अगर रिचार्ज रहेगा तो उस रिचार्ज में आपका 5G अनलिमिटेड चलेगा, तब आपको जो है फिर बूस्टर पैक जो है 59 वाला नहीं कराना है। आप लोग मतलब फिर भी आप लोग कमेंट कर दो अपना मॉडल नंबर लिख करके कि इस मॉडल नंबर है मेरा, 5G फ़ोन है, इसमें नहीं चल रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें पूछते हो। तो हमने आपको बता दी यही तरीका है 5G एक्टिवेट करने का। जब एक्टिवेट कर लोगे उसके बाद से आपको अनलिमिटेड 5G चलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना। लेकिन और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।